दोस्तों, एक बार एक छोटा सा लड़का एक होटल में गया। कुछ ही देर में वहां वेटर आया और पूछा, आपको क्या चाहिए सर? छोटे बच्चे ने उल्टा पूछा, वेनिला आइसक्रीम कितने रुपए का है? उस वेटर ने जवाब दिया, 50 रुपए का है। दोस्तों, यह सुनकर उस छोटे से लड़के ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला और हिसाब किया। उसने दोबारा पूछा कि संतरा फ्लेवर आइसक्रीम कितने का है? वेटर ने दोबारा जवाब दिया और कहा, 35 रुपए का सर। यह सुनने के बाद उस लड़के ने कहा, मेरे लिए एक संतरा फ्लेवर आइसक्रीम ले आइए। कुछ ही देर में बेटर आइसक्रीम की प्लेट और साथ में बिल लेकर आया और उस बच्चे के टेबल पर रखकर चला गया। उस लड़के ने उस आइसक्रीम को खाने के बाद पैसे दिए और वह चला गया। जब वहां बेटर वापस आया तो वह दंग रह गया, यह देखकर कि उस लड़के ने खाए हुए आइसक्रीम की प्लेट के बगल में उसके लिए 15 रुपए का टिप्स छोड़ दिया था। उस लड़के के पास 50 रुपए होने पर भी उसने उस वेटर के टिप्स के बारे में पहले सोचा न कि अपने आइसक्रीम के बारे में। उसी प्रकार हमें अपने फायदे के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक मिलती रहे।